तो आज देखेंगे हम लोग क्या, बुकिंग ऑफ बुकिंग बुकिंग एंड मेथड और कैलकुलेटिंग आर एल। ठीक है, दो मेथड होते हैं क्या करने के लिए, मेजर आपके पास जो लेवलिंग बुक होती है उसमें डाटा को बुक करने के लिए और कैलकुलेशन फॉर आर एल, आर एल को निकालने के लिए आपके पास दो मेथड। ठीक, दो मेथड यूज करेंगे। पहला आपके पास है हाइट ऑफ, इसको कहते हैं एच आई मेथड या फिर हाइट ऑफ और हाइट ऑफ, इस एच आई को और क्या कहते हैं, हाइट ऑफ कॉलिमेशन। ये मेथड हम लोग उसका बेसिक लास्ट क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, जब हम लोग एच आई निकाल रहे थे, एच आई से फोर साइड माइनस कर रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था, रिड्यूस लेवल मिल रहा था, ये वही मेथड। ठीक, उसको अभी अप्लाई करेंगे। तो पहला मेथड आपके पास है एच आई मेथड और हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं उपकरण ऊंचाई विधि। ठीक, फिर आपके पास दूसरा मेथड है जिसको हम लोग जानते हैं राइज और फॉल के मेथड के नाम से, क्या, राइज और फॉल मेथड। ठीक, तो ये दो मेथड है। ठीक, इन दोनों मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, थ्योरी भी डिस्कस करेंगे और इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। अगर न्यूमेरिकल कर लेंगे तो थ्योरी अपने आप डिस्कस हो जाएगी, तो इसमें हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकली देखेंगे क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है हम लोगों के पास, तो हम लोग डायरेक्टली इसके ऊपर न्यूमेरिकली देखेंगे, क्या, एच आई मेथड और हाइट ऑफ कॉलिमेशन। इसी पे हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, पहले इसकी सीट देखेंगे कि इसकी सीट कैसे बनती है, उसके बाद उसके अंदर डाटा कैसे फिल किए जाते हैं ये देखेंगे। तो क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगी। चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एक पहुंच मार्ग की प्रस्तावित मध्य रेखा पर डंपी लेवल से प्रत्येक 30 मीटर के अंतराल पर निम्नलिखित गज पाठ्यांक लिए। ठीक है, तो आपके पास क्या है, एक पहुंच मार्ग, मान लीजिए कोई पहुंच मार्ग है, ये पहुंच मार्ग है आपके पास, और इसमें क्या किया गया, इसके मध्य रेखा पर, इसके मध्य रेखा, मध्य रेखा क्या है इसकी, ये मध्य रेखा, इसके मध्य रेखा पर प्रति 30 मीटर के अंतराल पर, ठीक है, प्रति 30 मीटर के अंतराल पर आपने क्या किया, गज पाठ्यांक पढ़े, यानी स्टाफ रीडिंग भी। ठीक, 30 मीटर के अंतराल, लेकिन अब ये बैक साइड और फोर साइड आपको दी रखी है ऑलरेडी, देखिए ये बैक साइड और फोर साइड, तो आपको क्वेश्चन में बैक साइड और फोर साइड दे रखी है, आपको एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली फोर साइड और बैक साइड दे रहे हैं। ठीक है, आपको चित्र बना के नहीं देगा एग्जाम, तो फोर साइड पहले बैक साइड दी हुई है 0.865, फिर आपको दी हुई है 1.355, फिर आपको दी हुई है 0.985, ये क्या दी हुई है, बैक साइड दी हुई है, ये भी देखेंगे कैसे यूज करते हैं। ठीक, अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई डरने की बात नहीं, 0.985, फिर आपको और बैक साइड दी हुई है 0.475, और क्या दी हुई है 0.665, तो ये टोटल आपको इतनी बैक साइड दी, कितनी, 1 2 3 4 5 बैक साइड दी, और आपको क्या दिया हुआ, फोर साइड भी दी हुई है, तो ये रही आपके पास फोर साइड, फोर साइड क्या दी हुई है आपको 0.865। ठीक, फिर आपको 1.355, फिर आपको दिया हुआ है 0.985, दिया हुआ है 0.985।
एक मिनट फोरसाइट आपको दी हुई है 0.325 पहली, दूसरी आपको दी हुई है 0.795, फिर आपको दी हुई है 1.380, फिर आपको दी हुई है 1.955 और आपको लास्ट दी हुई है 0.580। इतनी आपको फोर साइड दी हुई है और इतनी बैक साइड। तो इनको क्या करना है, आपको सीट में भरना है और प्रत्येक बिंदु का क्या निकालना है, आपको आरएल निकालना है, ठीक है। इस कौन से मेथड से, एचआई मेथड से। और आपको एक चीज और दी हुई है कि जो बेंचमार्क है फर्स्ट स्टेशन पर, ठीक, वो कितना है 200। तो 200 है फर्स्ट स्टेशन का बेंचमार्क। अब ये रीडिंग कहाँ पे ली गई है, एक पहुंच मार्ग है। पहुंच मार्ग क्या होता है, जनरली जो ब्रिज का मेन पोर्शन होता है जो नदी के ऊपर होता है, उससे पहले एक पहुंच मार्ग बनाया जाता है छोटा सा, उसी को कहते हैं पहुंच मार्ग। थोड़ा ढालू में होता है, ठीक, उसको कहते हैं पहुंच मार्ग, अप्रोच वे कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं अप्रोच वे। कुछ नहीं है, रोड की तरह ही होता है, ठीक है, इसमें कोई नया चीज नहीं, रोड की तरह ही होता है। अप्रोच वे या पहुंच मार्ग, इसपे इसके मध्य रेखा पर रीडिंग ली गई, यानी स्टाफ यहाँ सेट किया गया है और रीडिंग ली गई, ठीक। फिर स्टाफ को और आगे बढ़ाया गया है और रीडिंग ली गई, ठीक। फिर स्टाफ को और आगे बढ़ाया गया है और रीडिंग ली गई, ठीक। आपको केवल फोर साइड और बैक साइड दिख रही, इसका मतलब इंटरमीडिएट साइड नहीं ली गई, ठीक। ऐसी लेवलिंग जिसमें केवल फोर साइड और बैक साइड लिया जाता है, इसको कहते हैं फ्लाई लेवल। कौन सी लेवलिंग, फ्लाई लेवल, ठीक। आपके लेवलिंग के टाइप है सब, तो मैं बीच बीच में बताता चलूंगा, ठीक है। ऐसी लेवलिंग जिसमें आप इंटरमीडिएट साइट नहीं लेते, ठीक है, यानी आईएस को नहीं लेते, उसको कहते हैं फ्लाई लेवल, ठीक। यानी केवल आप बैक साइट और फोर साइट लेते, इससे क्या होता है, आपका काम आसान हो जाता है, आपको इंटरमीडिएट साइट नहीं लेते। तो अब देखते हैं इसकी मेजरमेंट, इसकी सीट कैसे बनती है और कैलकुलेशन कैसे होता है, इसका सीट कैसे बनता है पहले सीट पे। तो सीट इसकी कुछ इस तरह से होती है, सीट अगर हम लोग बनाए तो सीट कुछ इस तरह से, ये सीट दिमाग में रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये रही सीट इसका, तो पहला रंग, पहला लिखते हैं हम लोग स्टेशन, ठीक, ठीक, और दूसरे में लिखते हैं दूरी, ठीक, डिस्टेंस। तीसरे में लिखते हैं दिक्मान, जनरली ये जरूरत नहीं पड़ता है हम लोग, ठीक है, दिक्मान यानी बेयरिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां देखिए। और हम लोग क्या लिखते हैं, गज पाठ्यांक, गज पाठांग मतलब स्टाफ रीडिंग, ठीक। फिर उपकरण की ऊंचाई एच आई, ठीक है। फिर लिखते हैं रिड्यूस लेवल, ठीक, और फिर लिखते हैं टिप्पणी यानी रिमार्क। ये चीजें हैं, पहले मैं लिख देता हूँ, पहले कॉलम में क्या आएगा आपके, पहले में आपका आएगा स्टेशन। स्टेशन क्या होता है ये बताया जा चुका है, जहां पे आप लोग स्टाफ को रखते हैं वही स्टेशन होता है, ठीक, स्टेशन। फिर डिस्टेंस, ठीक, ये डिस्टेंस है मीटर में, ठीक। फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे स्टाफ रीडिंग, तो स्टाफ रीडिंग है, ठीक। अब स्टाफ रीडिंग कितने टाइप की हो सकती है, हमको पता है तीन टाइप की हो सकती है, कौन कौन सी, या तो फोर साइड हो सकती है, या बैक साइड हो सकती है, या इंटरमीडिएट साइड हो सकती है। तो तीनों के लिए अलग अलग कॉलम बना देते हैं, ये रही बैक साइड के लिए, ये रही इंटरमीडिएट साइड के लिए, और ये लास्ट वाली रही आपकी फोर साइड। तो ये तीनों लिख देते, क्या पहला बैक साइड बी एस से लिखूंगा, बैक साइड को तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंटरमीडिएट साइड को आई एस से लिखूंगा, ठीक, और फोर साइड को मैं लिखूंगा एफ एस। फोर साइड मतलब अग्रदृष्टि, बैक साइड मतलब पश्चिम दृष्टि, आई एस मतलब मध्य दृष्टि, ठीक। उसके बाद क्या एच आई निकालना रहता है, ओके। फिर आपको क्या दिया हुआ है, आर एल दिया हुआ, ठीक, आर एल निकालना है, इस कॉलम में आर एल आएगा। फिर यहाँ पे रिमार्क आता है, आपको बैक साइड और फोर साइड दी हुई थी अभी हम लोगों ने देखा, ठीक, लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने बैक साइड और फोर साइड दिया। तो पहला फोर बैक साइड आपको दिया था वो क्या था, तो पहला आपको बैक साइड दिया था वो क्या था, इसको मैं ऊपर बना देता हूँ, क्या इसमें
मान लीजिए ये रहा आपका स्टेशन, और यहाँ पे आपने कलेक्शन गज को खड़ा किया, और ये आपका है बेंचमार्क। ठीक, उसके बाद आपने यहाँ पे लेवल मशीन को सेटअप किया, ये आपकी ग्राउंड लेवल। ठीक, लेवल मशीन को सेट किया, और आपने जो पहली रीडिंग ली, पहली रीडिंग क्या होती है हमेशा, पहली रीडिंग हमेशा होती है आपकी बैक साइड। ये पहले क्लास क्लास में बताया जा सकता है, यानी इंस्ट्रूमेंट सेटअप पर जो पहली रीडिंग लेते हैं आप, वो लेते हैं बैक साइड। तो बैक साइड आपने कहाँ पे लिया, बेंचमार्क पे। ये रहा बेंचमार्क, ये बेंचमार्क का आपको आरएल पता दिया, आरएल दिया था कितना, 200। ठीक है, अगर मैं इस बेंचमार्क को स्टेशन नंबर 1 बोल दूं, या 1 बोल दूं, खाली 1 बोल दूं, तो मैं स्टेशन पे लिख सकता हूं 1। ठीक है, ये बेंचमार्क क्या है, स्टेशन नंबर 1। ये भी बेंचमार्क भी क्या, स्टेशन ही आपका, क्योंकि यहाँ पे भी कलेक्शन गज को खड़ा किया है। लेकिन इस बेंचमार्क का यानी इस स्टेशन का आपको आरएल ऑलरेडी नोन है, कितना है, 200। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बेंचमार्क आपका 200 है, तो 200 क्या होता है, आरएल ही तो होता है बेंचमार्क। ठीक है, अगर जिस पॉइंट का आपको आरएल पता उसी को बेंचमार्क कहते हैं, यानी इस पॉइंट पीएम का आपको आरएल पता है कितना, 200। ठीक, और आपने इस बेंचमार्क पर पहली रीडिंग ली है पीएस, ठीक है, ठीक, वो कितनी थी, 0. अब बीएस के कॉलम में लिखेंगे इसको, इसको बीएस के कॉलम में लिखेंगे 0.685। जो पहला बैक साइड लिया आपने, ये बेंचमार्क पर, क्यों, क्योंकि जितने भी कार्य है सर, लेवलिंग का कार्य हमेशा कहां से शुरू किया जाता है, हमेशा बेंचमार्क से शुरू किया जाता है। बेंचमार्क पे आप पहली रीडिंग लेते हैं जो कि बैक साइड होती है, तो बैक साइड के कॉलम में मैंने स्टेशन 1, ये रहा स्टेशन 1 पर रीडिंग लिखी, कितनी, 0.685। ओके, अब फिर आपने स्टेशन चेंज कर दिया, यानी स्टेशन यहाँ आ गया, अब आपने सामने रीडिंग ली, ये रहा आपका कलेक्शन गज, और आपने यहाँ पे रीडिंग ली जो आपको बैक फोर साइड के कॉलम में लिख रखी। ठीक है, ये रही आपकी, तो जो फोर साइड 1, 2, 3, 4, 5 लिखे हुए लगातार, तो पहला फोर साइड क्या है, ये रहा पहला फोर साइड, इसको स्टेशन 2 दे सकते हैं आप नाम, स्टेशन 2। स्टेशन 2 पे आपने कौन सी रीडिंग ली, स्टेशन 2 पे आपने केवल फोर साइड लिया, इधर सामने देखने पे दिख रहा है फोर साइड, तो फोर साइड लिख देता हूँ मैं। फोर साइड कितनी थी आपकी, 0.325। ये कहाँ पे लिया, स्टेशन 2। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब आप इस लेवल को उठा के आगे ले जाएंगे, कहाँ से, स्टेशन 2 से और आगे ले। ठीक, तो 0.2 पर आपको एक रीडिंग और मिलेगी, वो क्या रहेगी, वो बैक साइड रहेगी। जैसे मैं इधर साइड में बनाता हूँ छोटे में, तब आपको समझ में आएगा। ये बेंचमार्क पर आपने पहली रीडिंग ली, क्या होती है, वो होती है आपकी फोर साइड, उसके आगे आपने जो रीडिंग ली वो फोर साइड। यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये रहा आपका साइड में, ये रहा आपका लेवल सेटअप किया आपने, ये आपका ग्राउंड लेवल था, ये ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पे करने के बाद आपने, आपके पास एक बेंचमार्क था, ये बेंचमार्क था आपके पास, इस बेंचमार्क पे आपने स्टाफ को सेट किया, ठीक, और आपने पहली रीडिंग ली, क्या ली, बैक साइड, क्योंकि हमको पता है पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड होती है, तो बैक साइड आपने ली। बैक साइड लेने के बाद आपने कितनी ली बैक साइड, 0.865, ये रही आपकी बैक साइड। ठीक, फिर आपने एक और कलेक्शन गज खड़ा किया, कहाँ पे, आगे की तरफ, ये रहा, इस पे भी रीडिंग ली, कौन सी ली, फोर साइड कहाँ पे, ये रही फोर साइड, ये वाली रीडिंग है। ठीक, और ये रही बैक साइड, जो बेंचमार्क पर ली है वो ये रीडिंग। तो हम रिमार्क में क्या लिख सकते हैं, स्टेशन वर्क पर रिमार्क में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेंचमार्क, यानी ये जो स्टेशन वर्क 1 है आपका बेंचमार्क, ठीक, जिसका आरएल कितना है, ये आपको ऑलरेडी नोन। फिर आपने क्या किया, स्टाफ लेवल मशीन को उठाया और आगे लेके चला, कहाँ पे लेके चले आए, यहाँ लेके चले, और आपने लेवल मशीन सेटअप किया, और नए लेवल इंस्ट्रूमेंट सेटअप पर जो रीडिंग पहली ली जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बैक साइड, ये आपको पता है। ठीक, हर लेवल इंस्ट्रूमेंट सेटअप पर नए इंस्ट्रूमेंट, यानी पोजीशन 1 थी यहाँ पे, P1 थी स्टाफ पोजीशन 1, यहाँ पे जो पहली रीडिंग ली गई सेट करने के बाद कौन थी ये वाली। ठीक, यहाँ पे P2 पे जैसे आ गए, पहली रीडिंग कौन सी है, ये वाली, तो ये दोनों रीडिंग क्या है, बैक साइड। तो आपको बैक साइड के कॉलम में अगर देखेंगे तो 1. अब ये स्टेशन 2 पे ली गई है, ध्यान रखिएगा ये स्टेशन 2 है, ये रहा, तो स्टेशन 2 पे आपने दो रीडिंग ली है, एक फोर साइड लिया है और एक बैक साइड।
स्टेशन टू पे आपने फोर साइड भी लिया, बैक साइड भी लिया, तो आप बैक साइड के कॉलम में एक और रीडिंग लिखेंगे, कौन सी, जो सेकंड वाली रीडिंग है आपके पास, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूँ सारी, आपको ऐसे रीडिंग दी हुई, बैक साइड और फोर साइड, बैक साइड में आपको दिया हुआ पहला रीडिंग 0.865 जो मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक, ये पहली रीडिंग थी। पहली रीडिंग हमेशा क्या होती है, बैक साइड होती है, कहाँ पे ली जाती है, बेंच मार्क पर ली जाती है, ठीक। फोर साइड की पहली रीडिंग क्या है, 10.325, 10.325, ठीक। और बैक साइड की दूसरी रीडिंग क्या लिखी हुई है आपके क्वेश्चन में, 1.3355 कहाँ पे ली गई है, स्टेशन टू पर ली गई है, ठीक है, क्योंकि स्टेशन टू क्या है, टर्निंग पॉइंट है, जहां पे दोनों आपकी रीडिंग ली गई। तो आप क्या लिख सकते हैं, स्टेशन टू पे फोर साइड तो लिया ही गया है, ये रहा आपने लिख दिया फोर साइड, अब बैक साइड भी इतना पड़ेगा आपको कितना, 1.355, ओके। इसी तरह से आप स्टेशन थ्री पे शिफ्ट हो जाएंगे आप, तो स्टेशन थ्री कहाँ पे होगा, ये रहा स्टेशन थ्री, ये रहा स्टेशन थ्री, ठीक। अब इस पे जो रीडिंग लेंगे वो कौन सी रहेगी, वो आपकी रहेगी फोर साइड, ठीक। तो फोर साइड भी लिखोगे, अब फोर साइड सेकंड वाली फोर साइड कितनी दी हुई है आपको, आपको दी हुई है 0.795, ऐसे लिखा हुआ आपको क्वेश्चन में, ये चीज लिखी हुई है नीचे जो मैं लिख रहा हूँ, तो सेकंड वाली फोर साइड कौन सी है, 0.795, तो ये कहाँ पे ली गई है, स्टेशन थ्री पर, ठीक। स्टेशन थ्री पर कितनी है ये, ये कौन से मेथड से निकाल रहे हैं हम लोग, एच आई मेथड से निकाल रहे हैं, ध्यान रखिए कितना 0.795। अभी हम लोग आर एन निकाले नहीं, अभी केवल मैं डाटा भर रहा हूँ सीट के अंदर, अभी आर एन निकालने का काम तो आगे, अब फिर क्या करेंगे, फिर लेवल इंस्ट्रूमेंट को हटा के आगे ले आएंगे, कहाँ ले आएंगे, यहाँ, और यहाँ पे लेवल सेट, और एक लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो आगे जाएंगे। अब देखिए स्टेशन थ्री पर देखिए आपने फिर दो रीडिंग ली, कौन कौन से, एक फोर साइड है जो पोजीशन टू से ली है, और एक है बैक साइड जो पोजीशन थ्री से ली, तो पोजीशन थ्री से आपने वो स्टेशन थ्री पर बैक साइड फोर साइड तो लिख दी, बैक साइड लिखनी है, तो बैक साइड का तीसरी रीडिंग क्या लिखी हुई, तीसरी रीडिंग लिखी हुई आपकी 0.985, इसका मतलब ये तीसरी रीडिंग है, ये कहाँ पे ली गई, स्टेशन थ्री पर ली गई, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको फिर से 0.985। मैं साथ साथ फिगर बनाते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि स्टेशन थ्री पर कौन सी ली गई है और स्टेशन फोर पर, ठीक। अब आगे क्या स्टेशन फोर आ जाएगा, मेरा स्टेशन फोर, अब स्टेशन फोर पर सिर्फ सेम वही कहानी जो पीछे अभी तक चलती आ रही है, वही कहानी चलती है, क्या अभी कौन सी रीडिंग, ये पी थ्री की लास्ट रीडिंग है, स्टेशन यानी जो आप लेवल सेट किए हुए पी थ्री पर, पी थ्री पर लास्ट रीडिंग है, तो ये कौन सी रीडिंग हो जाएगी, वो आपकी फोर साइड हो जाएगी, कहाँ पे ली आपने, स्टेशन फोर पर, स्टेशन फोर, हमको पता है स्टेशन क्या होता है जहाँ पे परीक्षण गज खड़ा है, तो स्टेशन फोर पर आपने फोर साइड ली कौन सी, आपको यहाँ पे लिखा हुआ 0.985 पे आगे लिखा हुआ है 0.475, ठीक। ये वाली रीडिंग आपने यहाँ पे लिख दीजिए फोर साइड 0.475, ओके। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को फिर पी थ्री से पी फोर पर ले आएंगे, ठीक, यहाँ से पी सेटअप करेंगे और मेरा लेवल आपका सेटअप हो गया और एक लाइन ऑफ साइट ड्रॉ होगी, इससे ये ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक। अब आप क्या कर रहे हैं, पोजीशन पी फोर से आपने फिर रीडिंग ली, पोजीशन पी फोर से जो पहली रीडिंग लोगे वो क्या रहेगी, बैक साइड रहेगी, वो कहाँ पे ली गई है, स्टेशन फोर पर ली गई, स्टेशन फोर पर बैक साइड ली गई, बैक साइड की रीडिंग क्या दी हुई है आपको, आगे दी हुई है 1. ये आपको ऐसे ही लिखा है क्वेश्चन, जैसे मैं नीचे लिख रहा हूँ सेम क्वेश्चन में चीजें लिखी हुई, बस आपको पता होना चाहिए पहली रीडिंग कहाँ ली गई है, दूसरी रीडिंग कहाँ है, तीसरी कहाँ, तो तीसरी रीडिंग आपकी बैक साइड फोर साइड में, सॉरी बैक साइड में 0.475 लिखी हुई है, फोर साइड बैक साइड, हाँ चलिए, तो फोर पे बैक साइड ली गई है, नीचे लिखना था, एक मिनट यहाँ नहीं लिखना, ये नीचे, क्योंकि फोर साइड
थ्री, एट और जीरो, मैं लिख ही देता हूँ एक बार सारी। उसके बाद है 1.955, उसके बाद है 0.580, और इस बैक साइड में क्या क्या रीडिंग है, 0.865 हो गया, 0.1355 हो गया, 0.958585 हो गया, उसके बाद है 0.475, ठीक है ये बैक साइड में, ठीक है। उसके बाद क्या है 0.665, ये रीडिंग आ गई, ठीक है। तो आपने पहला लिखा कितना, ये भी सही है, ये भी सही है, उसके बाद 0.35 कहाँ पे ली गई स्टेशन टू पर, 0.795, और ये बता देता हूँ कि ये तो आपकी बैक साइड, ये बैक साइड, वो साइड में कितनी रीडिंग दी हुई आपको, वो साइड में तीसरी रीडिंग देखिए आप, वो साइड में तीसरी रीडिंग 1, 2, 3, 1.380 यहाँ है। अब देखिए, अब आप वो स्टेशन P4 पर आ गए, P4 पर आपने पहली रीडिंग क्या ली, बैक साइड ली, तो बैक साइड पे देखिए एक रीडिंग लिख चुके हैं, दूसरी भी ये भी लिख चुके हैं, तीसरी भी लिख चुके हैं, चौथी भी, कौन सी 0.475, ये वाली रीडिंग आ गई। तो आपने क्या किया, 0.4 पर दो रीडिंग ले ली, देखिए 0.4 पर भी दो रीडिंग है, 0.3 पर भी दो रीडिंग है, और 0.2 पर भी दो रीडिंग, लेकिन 0.1 पर केवल एक ही रीडिंग है जो कि क्या है, बैक साइड, ठीक। अब लास्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक कलेक्शन का जोर खड़ा, क्षण का जोर खड़ा कर दिया आपने। अब आप इस पे क्या, कौन सी रीडिंग लेंगे, इस पे आप फिर से फोर साइड लेंगे, फोर साइड किस पे लेंगे, स्टेशन फाइव पर, ये फाइव है स्टेशन, तो स्टेशन फाइव है, और फोर साइड कितनी थी, ये चौथा नंबर, पांचवा नंबर देखना, चौथा नंबर 1, 2, 3, 4, 1.955, 1.955। अब क्या करेंगे, फिर आप लेवल को हटा देंगे, लेवल को आगे लेके जाएंगे, इस लेवल सेटअप पर फिर रीडिंग लेंगे आप, कौन सी पहली रीडिंग, कौन सी हो, पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड, बैक साइड लो, ये रही बैक साइड, बैक साइड ले लिया आपने, ठीक। कहाँ पे, स्टेशन पांच पर, तो बैक साइड मैंने लिखी 1.95 पर, ठीक, सॉरी फोर साइड लिखी, बैक साइड कहाँ पे है, बैक साइड आपकी 0.475 हो गया, ये रही लास्ट वन 0.665, 0.665। अब आप क्या करोगे, एक कलेक्शन करो और खड़ा करोगे इसके, इसके आगे। अब ये लास्ट रीडिंग है आपके पास, तो लास्ट रीडिंग, अब ये कौन सी रीडिंग है, फोर साइड, ठीक। अब ये कहाँ पे ली गई है, स्टेशन सिक्स पर, तो स्टेशन सिक्स ये रहा। अब स्टेशन सिक्स पर एक ही रीडिंग ली गई है जो कि क्या है, फोर साइड, तो फोर साइड वाली कौन सी रीडिंग है, ये जो लास्ट वाली लिखी हुई 0.580, ओके। अब देखिए स्टेशन वन पर केवल एक रीडिंग है, तो एक रीडिंग है कौन सी है, बैक साइड, स्टेशन सिक्स पर केवल एक रीडिंग है, कौन सी है, फोर साइड, ठीक। यानी इसका मतलब आप हमेशा कार्य शुरू करेंगे बैक साइड से और कार्य को खत्म करेंगे फोर साइड से, ठीक है। तो अगर आप ये कहें कि जो पहली रीडिंग ली जाती है वो कहाँ ली जाती है, बेंच मार्क पर, ठीक, बेंच मार्क का आपको आर एल पता होता है जो कि आपको एग्जाम क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी, दूसरा, ठीक। तो स्टेशन वन क्या है, बेंच मार्क, बेंच मार्क पर आपने पहली रीडिंग ली, बैक साइड होती है हमेशा, ठीक। उसके बाद आप चले गए स्टेशन टू पर, स्टेशन टू पर आपने पहली रीडिंग ली क्या, इधर के साइड, तो पोजीशन पी वन से ली फोर साइड, तो फोर साइड ये ली 3.25, यहाँ से उठाएंगे पहली रीडिंग। फिर आप आगे करेंगे इसको, पोजीशन पी से, पी वन से पी टू पर पहुंच जाएंगे और पहली रीडिंग लेंगे बैक साइड, तो बैक साइड लिख दिया 1.355, ये यहाँ से दूसरे नंबर पर। फिर यही काम आगे करते जाए, पी थ्री पर जाएंगे, पी फोर पर जाएंगे, पी फाइव पर जाएंगे, फिर पी फाइव पर। तो आपको केवल क्वेश्चन में इतना ही चीज दी हुई, बस क्वेश्चन में ये चीज दी हुई और कुछ नहीं दिया आपको, बैक साइड फोर साइड दिया हुआ है और ये सीट आपको भरनी है यहाँ, अभी तो केवल सीट भरने का काम हुआ है, ये ऊपर फिगर भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये फिगर आपको खुद समझना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी रीडिंग ली गई है, कहाँ पे कैसे रीडिंग ली गई है। तो आप बताइए आपको कोई इसमें ये रीडिंग भरने में किसी को समस्या है तो बताइए। अब हमको क्या करना है, अब हमको आर एल निकालना है, किसका, स्टेशन वन का आर एल आपके पास है, ठीक है, स्टेशन वन का आर एल आपके पास है, क्यों है, बेंचमार्क की क्या डिफिनेशन होती है, बेंचमार्क की डिफिनेशन होती है ऐसा पॉइंट जिसका आर एल आपको ऑलरेडी नोन होता है, तो आर एल हमको नोन है कितना, 200। आर एल क्या होता है, आर एल होता है मीन सी लेवल से हाइट, ठीक, तो आर एल पता है,
तो क्लास क्लास में हमने देखा था कि हमको एचआई निकालनी है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है, तो क्या करते थे हम आरएल में से क्या करते थे बैक साइड को जोड़ देते, ठीक है, ये देखा था कि नहीं। एचआई निकालने के लिए आप आरएल में बैक साइड जोड़ते, आरएल कितना आपके पास 200, बैक साइड कितनी है 0.865, कितना आ जाएगी ये आ जाएगी आपके पास 200.865। ये कहाँ है, स्टेशन वन पर है, ध्यान रखिएगा, ये इसकी सीधाई में लिखी हुई। अब क्या है, ये एचआई मिल गई आपको, कौन सी स्टेशन की, मतलब कौन से लेवल की, P1 पोजीशन के जो लेवल है उसकी एचआई मिली, क्योंकि सबकी एचआई अलग अलग है, ये देखिए सबकी हाइट अलग अलग होगी, ठीक है, जितनी पोजीशन, एक पोजीशन के लिए एक ही हाइट होगी, ठीक है, तो आपने कौन सी पोजीशन के लिए निकाला, केवल P1 के लिए एचआई निकाली, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाली। अब हमको पता है कि अगर आपको आरएल निकालना है किसी पॉइंट का, तो आप क्या करेंगे, एचआई में से क्या माइनस करते, अगर आपको किसी पॉइंट का आरएल निकालना है तो आप एचआई में से फोर साइड को माइनस करते, एचआई में से फोर साइड को अगर आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आरएल मिलेगा। एचआई में से फोर साइड माइनस करती, मतलब एचआई क्या है आपके पास, एचआई है, इसमें से फोर साइड कौन सी माइनस करनी है, जो पी वन से ली गई ऑलरेडी, पी वन से ये रीडिंग ली गई, कौन सी फोर साइड वाली है 3.325, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 200.865 में से 0.325 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, बताना ही पड़ेगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं,